आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस का चौथा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट वानखेड़े में खेला जा रहा है और इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस यही चाहेगी कि भाई इस सीजन की पहली जीत आपको मिले। पहली जीत का कारण रोहित शर्मा भी बन सकते हैं क्योंकि रोहित शर्मा ने 27 गेंदों में जड़ दिए 49 रन, यानी कि 181 रन के 181 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने 49 रन बनाए 27 गेंदों में, जिसमें 6 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल हैं। अब लोग इसमें यह बोलेंगे कि यार विराट कोहली ने कल शतक के लिए खेला, रोहित शर्मा की आज पारी देखने को मिली जो कि सेल्फलेस पारी थी। सेल्फलेस मतलब वो अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन के बारे में नहीं सोचते कि भाई 50 आएगा 100 आएगा, और T20 फॉर्मेट की यही खासियत है, आपको 50-100 नहीं चाहिए, आपको चाहिए इंपैक्ट वाले रन, कम गेंदों में ज्यादा रन, जो कि विराट कोहली हमेशा आप देखिए कि लगातार उस चीज में फेल हो रहे हैं। कल भी आपने देखा कि 67 गेंदों में कल उनका शतक आया और 72 गेंदों में 113 रन की उन्होंने नाबाद पारी खेली, जो कि बहुत ज्यादा आप बोलेंगे आरसीबी के अगेंस्ट में गई क्योंकि जॉस बटलर ने दूसरी तरफ 56 गेंदों में शतक जड़ दिया, लेकिन यहां पे विराट कोहली ने शतक तो जड़ा, लेकिन उसके अलावा आप देखें कि उनकी टीम जीत हासिल करने में नाकामयाब रहेगी। आईपीएल का स्लोएस्ट आपको बोलेंगे कि ये शतक था जिसमें 67 गेंदों में विराट कोहली ने शतक पूरा किया और 72 गेंदों में 113 रन की वहां पे पारी खेली। 150 का भी स्ट्राइक रेट वहां पे मेंटेन नहीं कर पाए विराट कोहली, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म विराट कोहली का होना लग गया। दूसरी तरफ रोहित शर्मा थे टीम इंडिया के कप्तान और मुंबई इंडियंस के एक्स कप्तान, वहां पे रोहित शर्मा ने यह दिखाया कि भाई T20 फॉर्मेट में आपको क्या चाहिए। T20 फॉर्मेट में जब आप ओपन कर रहे होते हो तो आपको पता है कि नीचे आने वाले बैटर्स उतने कैपेबल हैं कि वो रन्स बना सकते हैं, आप उनको ट्रस्ट करिए, आप उनको मौका तो दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ विराट चाहते हैं कि वो पूरी इनिंग को खुद खेलें, शतक बनाए, ऐसे उन पे आरोप लगते रहते हैं। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की इनिंग में क्या कुछ आपको फर्क लगा ये आप बताइए। और दूसरा हम आपको बता देते हैं कि रोहित शर्मा ने केकेआर और डीसी के अगेंस्ट मतलब अपने हजार रन पूरे कर लिए हैं, ये एक अच्छी अचीवमेंट है रोहित शर्मा की, बढ़िया अचीवमेंट है, और उन्होंने दो टीमों के खिलाफ हजार रन पूरे कर लिए हैं। 5000 से ज्यादा रन वो आईपीएल में बना चुके हैं, 200 से ज्यादा वो मुकाबले आईपीएल में खेल चुके हैं, और उनके अगर हम एवरेज की बात करें तो 30 का एवरेज उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, विच इज जिसे बोले कि यार मतलब ठीक ठाक है, ज्यादा बुरा भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है। तो रोहित शर्मा की ये सेल्फलेस इनिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और दूसरी तरफ विराट कोहली के लिए जो क्रिटिसाइज हो रहा था कि भाई वो इंडिविजुअल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, तो उस पे आपकी राय क्या है वो भी हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें स्पोर्ट्स नाउ को, और चैनल वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।